मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक 16 साल की नाबालिग लड़की से 400 लोगों ने रेप किया है। ये मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है और ये नाबालिग लड़की अब 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है। हालांकि पुलिस ने 9 लोगों पर FIR दर्ज की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बीड जिले के कुबेफल गांव की रहने वाली लड़की 8 साल की उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था, जिसके बाद उसके पिता ने 2018 में 7वीं क्लास से उसकी पढ़ाई छुड़ा दी और 13 साल की उम्र में अम्बा जोगई के रहने वाले विशाल भगवत सोमवंशी से, जिसकी उम्र 33 साल थी, उसके साथ उसकी शादी करवा दी। उसे हमेशा उसका पति प्रताड़ित करता था और यौन शोषण करता था। 13 साल की कम उम्र में ही इस लड़की की शादी हुई थी और पति के अत्याचार से तंग आकर 2019 में वो अपने पिता के घर चली आई थी। पिता से अपने पति की शिकायत भी की, मगर पिता की भी उत्पीड़न से तंग आकर 2021 में इस लड़की ने अपना घर छोड़ दिया और अम्बा जोगई बस स्टैंड पर रहने लगी। यहाँ पर भी खाना देने के नाम पर उस लड़की के साथ रेप हुआ। पुलिस को दिए बयान में इस लड़की ने बताया कि अब तक करीब 400 लोगों ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। बाल विवाह चा कलमांदर तसेच रेप चा कलमांदर गुन्हा दाखल झालेले आहे आणि यांच्यामध्ये पिंक मोबाईल कडे जे पिंक मोबाईल दिलेले जे महिला आणि बाळक आहे त्यांच्यावर जे होणार अत्याचाराच्या थांबवण्यासाठी जे स्थापन केलेले पिंक मोबाईल आहे त्यांच्या मार्फतीने एक महिला PSI ने तपास करत आहे। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों पर FIR दर्ज की है और जांच के लिए टीम भी बनाई है। वहीं लड़की 2 महीने से प्रेग्नेंट है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। CWC के सदस्य गर्भपात में उसकी मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किए गए हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।